सो गाइज आगे एक होली स्टेटस वीडियो के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहले आप इस वीडियो का प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्ट ऐप ओपन करना है, यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और साइज सेलेक्ट करनी है आपको 16:9। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और येलो कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो इस बैकग्राउंड की लेयर को यहाँ तक 20 सेकंड तक हमने ऐड कर लेते हैं। ये 20 सेकंड तक ऐड कर लिया है, उसके बाद में आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और इसकी PNG ऐड करेंगे। तो ये है वो PNG, इसकी लेयर को पहले यहाँ तक 20 सेकंड कर देते हैं। उसके बाद में आपको फिर इसको फुल स्क्रीन कर देना है, यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे स्प्लिट स्क्रीन से फुल स्क्रीन पर, तो ये फुल स्क्रीन सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और मीडिया में एक PNG ऐड करेंगे। तो ये है PNG दूसरी, तो इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद में आपको फिर इसकी लेयर को भी फुल कर देंगे। यहाँ तक फुल करने के बाद में आपको फिर अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड इरेज करना है और आपको गूगल में जाकर रिमूव PG में अपने फ़ोटो को अपलोड करके बैकग्राउंड इरेज करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना है। सो मैं वो फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, तो ये है वो फ़ोटो, इसको यहाँ पर ले आएंगे। पहले इसकी लेयर को भी यहाँ तक फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में इसको आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैंक में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ तक यहाँ ले आएंगे और इसकी फिर डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इसको डुप्लीकेट लेयर को थोड़ा सा जूम करके इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सॉरी बड़ा हो गया है, और इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो इतना हो गया है, आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है। मीडिया में जो PNG है इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये है, इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद इसकी लेयर को भी फुल कर देंगे। तो ये ऐड हो गए हैं, आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है। मीडिया में एक और PNG है, इसको ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर, और इसकी लेयर को भी 20 सेकंड कर देंगे। तो मैं 20 सेकंड कर लेता हूँ। 20 सेकंड करने के बाद आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है। पहले इन फोटो को थोड़ा सा बढ़ा लूँ, तो आपको फिर लेयर पर जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में एक और PNG ऐड करेंगे इसकी। तो ये है वो PNG, और इसको यहाँ पर ले आएंगे यहाँ पर, और इसकी लेयर को भी 20 सेकंड तक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है। मीडिया में एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो उसको ऐड करेंगे। तो इसको यहाँ से रोटेट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे यहाँ, और इसको क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की को इनेबल कर देंगे यहाँ से, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये ऐड हो गया है, अब इसको ये 10 सेकंड तक है, इसको 20 सेकंड तक डुप्लीकेट बना के इसको फुल कर देंगे यहाँ तक। इतना करने के बाद आपको फिर लेयर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में एक टेक्स्ट PNG है, उसको ऐड करेंगे। तो ये है वो PNG, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और इसकी लेयर को पहले फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद में इसको ये ऊपर इन एनिमेशन रखेंगे और स्लाइड टू राइट कर देंगे। इसकी थोड़ा सा टाइमिंग को हम बढ़ाएंगे और इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद आप फिर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जो इसका एक टेम्पलेट है उसको ऐड करेंगे। तो मैं टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। तो ये है वो टेम्पलेट, और इसको यहाँ से
फुल स्क्रीन करने के बाद फिर टेम्पलेट पर क्लिक करना है आपको, और इसको ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग में इसको स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद में आपको फिर लेयर पर जाना है, मीडियम जाना है, और जो इसका बॉर्डर है उसको ऐड करेंगे। तो ये है बॉर्डर पीएनजी, फिर इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देंगे और यहाँ से इतना फुल स्क्रीन हो गया है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडियम जाना है। मीडियम में इसका जो ऑडियो सॉन्ग है उसको ऐड करेंगे, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये इतना बन गया। अब इसको देखते हैं कि पहले हम उस टेम्पलेट के ऑडियो को म्यूट करेंगे। तो ये रहा। अगर आपको इस वीडियो के मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहां से इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल।